नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बीपीएससी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, एसडीएम ने समझा बुझा कर कराया शांत। मैराथन दौड़ में बेहोश होकर गिरी छात्रा, विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में नहीं हो सका इलाज। दो करोड़ लूट की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, चार अपराधी गिरफ्तार। एड्स जागरूकता को लेकर सेनेट हॉल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। और जमीन विवाद में डीलर को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। और अब समाचार विस्तार से। बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा में छात्रों का बायोमेट्रिक थम्स नहीं मिलने पर छात्र छात्रा आक्रोशित हो गए। पूरा मामला भागलपुर के नाथनगर के गुरुकुल उच्च विद्यालय का है, जहां बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों का बायोमेट्रिक थम का मिलान नहीं होने पर छात्रों ने काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड में दिए गए स्कैनर को कैमरा स्कैन नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से कई छात्रों की परीक्षा के बाद का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। वही छात्रों की नाराजगी सूचना मिलते ही भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार नाथनगर थाना पुलिस के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे और छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर शांत कराया। वही छात्रों ने कहा कि प्रवेश पत्र में लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है, उसके बावजूद भी स्कैनर काम नहीं किया। साथ ही छात्रों ने कहा कि पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षकों की वैकेंसी आती है, उसके बाद भी ऐसी समस्या से रूबरू होना पड़ता है। बताया गया कि कुल 288 छात्र छात्राओं में से 182 का थंब और फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ। इधर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर परीक्षा केंद्र पर सभी तैयारी का लगातार जायजा लिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके बाद अटेंडेंस बनाना जो होता है, हम लोग सबका कुछ का बनाया जा रहा था अटेंडेंस, और कुछ कुछ का बनाया नहीं जा रहा था। टेक्नीशियन के द्वारा बोला जा रहा था कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है आठवें नंबर पे कि अगर आपने अपना अटेंडेंस नहीं बनवाया तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में अब ये हमको बताया जाए, ऐसे में ये बताया जाए कि अगर हम लोग अटेंडेंस नहीं बनवाएंगे तो ऐसे का स्थिति में हम लोग जो एग्ज़ाम दिए उसका क्या फ़ायदा रह गया, कोई फ़ायदा नहीं रहा। हालांकि प्रिंसिपल सर के द्वारा यह बोला गया कि आप लोग सिग्नेचर करके दीजिए, तो हम लोगों ने सिग्नेचर करके दिया हुआ है, लेकिन क्या पता उस सिग्नेचर से हम लोग का सिग्नेचर कर देने से क्या पता अगर ऑफिस में ही रह जाए या फिर ऑफिस में ही पड़ा हुआ रह जाए वो सिग्नेचर, लेकिन हम लोग का तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। 5 साल में एक बार टीचर का वैकेंसी आता है पंचवर्षीय योजना की तरह। इस स्थिति में क्या बताइए कि फिर अगला वाला आएगा 27-28 में, ऐसे कंडीशन में हम लोग के साथ क्या होगा। एक्चुअली इसमें ये आ नहीं रहा है, ये स्कैन करने के बाद और बहुत लोगों का फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है। अच्छा, और प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब उसमें क्लियरली, इसमें आप जब देखेंगे 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि उप परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है। अभ्यर्थी उप प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ये कहा जा रहा है। तो आप लोग का नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है। मैं एक नहीं, करीब 200-250 स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो उस टाइम नहीं हुआ तो नहीं किया उन लोगों ने, अब क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी का ऐसे बस स्कैन कर दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं रोल नंबर और फोटो क्लिक करके बस कर दे रहे हैं, ना तो किसी का थंब लिए हैं और ना ही और इमेज के थ्रू ऐसा आईरिस वगैरह कुछ नहीं हुआ है किसी का। कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स पे अरेंजमेंट किया जाता है, बायोमेट्रिक उसमें से भी उसी में से एक लेयर है।
कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था, तो उन्हीं बच्चों की क्वेरी थी तो उनको आके समझा दिया गया है और फिर हम लोग उनका करवा रहे हैं। सर करीब इनका बायोमेट्रिक से अटेंडेंस 100 से कम है, ठीक है, और ये तो टेक्निकल चीज़ है। तो सर इन लोगों का भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें अटेंडेंस शीट होती है, उसमें उसे अटेंडेंस को देखा जाता है, ठीक है। ये एक एडेड सिक्योरिटी मेजर है, जैसे गेट पर फ्रिस्किंग होती है, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि अगर गलती से किसी की फ्रिस्किंग नहीं हुई तो एग्जाम में नहीं बैठेगा। जाइमर लगाए जाने को लेकर कोई इशू आ रहा था सर? नहीं, जाइमर तो एक प्रोटोकॉल है, ये सेफ्टी मेजर है, ये इसको तो हर एक सेंटर पे लगाया गया है और सभी जगह कार्य हुए हैं, जहाँ जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल ग्लीचेज आई है उसको दूर किया गया है। सर अभी सारा चीज सॉल्व? बिल्कुल सॉल्व है। तमाम दावे और विश्वविद्यालय प्रशासन की कवायद के बावजूद TMU के स्वास्थ्य केंद्र की सेहत ठीक नहीं है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुविधा विहीन स्वास्थ्य केंद्र को अब बेहतर इलाज की दरकार है। जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जहां सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं इस केंद्र में इलाज की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए भी निजी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं और कर्मचारियों से हेल्थ के नाम पर शुल्क लिए जाते हैं। आज TMU के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था की पोल तब खुली जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से 5 किलोमीटर के मैराथन दौड़ के लिए प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को मोहनपुर मोड़ के लिए रवाना किया। बताया गया कि करीब 3 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद साहिबगंज के समीप सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज की छात्रा कुमारी सावित्री बेहोश होकर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि मैराथन के पीछे विश्वविद्यालय का एम्बुलेंस भी था, वही छात्रा को सड़क पर बेहोश गिरा देख एम्बुलेंस के चालक रोशन कुमार ने तत्परता दिखाई और वह सीधा उसे सिनेट हॉल लेकर पहुंच गए। सिनेट हॉल पहुंचते ही सावित्री को उसकी सहेलियों ने होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसे विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में भेजने की बात कही गई। तब एक कर्मचारी ने जानकारी दी कि हेल्थ सेंटर में ना डॉक्टर साहब मिलेंगे और ना ही दवाइयां। वहीं आनंद फानंद में बेहोश छात्रा को एनएसएस विभाग की एक महिला कर्मी कुछ छात्राओं के साथ एम्बुलेंस से लेकर सदर अस्पताल लेकर चली गई, जहां अस्पताल की नर्स और डॉक्टर ने छात्रा का मेडिकल ट्रीटमेंट किया। वहीं करीब 2 घंटे बाद छात्रा को एम्बुलेंस से सिनेट हॉल लाया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में अगर हेल्थ सेंटर की स्थिति भी ठीक ना हो तो छात्र छात्रा और विश्वविद्यालय के कर्मियों को कैसे 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मिलेगी। इतना ही नहीं, TMU के सेहत केंद्र की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई मरीज यहां इलाज कराने आ जाते हैं तो उसे हादसे का डर बना रहता है। छत की स्थिति जर्जर हो चुकी है और सभी जगह लगे दरवाजे एवं खिड़कियों को दीमक चाट गए हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में करीब 6 महीने से डॉक्टर नहीं है और दवाइयां भी खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार इस हेल्थ सेंटर में मात्र 5 कर्मी हैं, जिसमें 2 दरबान और 2 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं, जबकि 1 कंपाउंडर। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कैसी स्वास्थ्य सुविधा मिलती होगी। बताया गया कि हेल्थ सेंटर में संविदा पर कार्यरत एकमात्र पुरुष चिकित्सक थे, जिस पर TMU और मारवाड़ी कॉलेज सहित सभी 34 PG विभाग, विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी और प्रेस को मिलाकर करीब 25,000 विद्यार्थियों एवं शिक्षक कर्मियों के इलाज का भार था, लेकिन वह भी 6 महीने से नहीं है। हेल्थ सेंटर में छात्राओं एवं महिला शिक्षकों की स्वास्थ्य जांच के लिए कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं है। केंद्र में रखी एक्सरे मशीन वर्षों से हाथी का दांत बनी हुई है। दवा भंडारण की स्थिति भी अच्छी नहीं है। हालांकि इस संबंध में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार का कहना है कि छात्र और कर्मियों के को ध्यान में रखते हुए जल्द ही डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस है। देखिए ये बात सही है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के लिए अभी तो वाइस चांसलर बाहर गए हैं, मैं अभी चार्ज में हूं। मैं जैसे ही वो आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर की बहाली तुरंत हो जाए। दवाएं हैं क्योंकि पिछले ही साल करीब 5 लाख की दवा की खरीद हुई थी। दवा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। इसे जैसे ही वाइस चांसलर आएंगे इसे हम तुरंत दूर करेंगे, इसमें कोई ये नहीं। प्रतियोगिता कराई गई थी आज, इसमें छात्रा जो है तो बेहोश हो गई, उसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ, क्या इस तरह की प्रतियोगिता में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, ये प्रतियोगिता में वैसे हमारा स्टाफ है या मेरा एम्बुलेंस है वो टाइमली सब छात्रा को पहुंचाया, ले आया, इलाज भी हो गया, तत्परता दिखाई गई।
लेकिन अगले बार से जब प्रतियोगिता होगी तो हम ये कोशिश ये करेंगे कि जितने भी प्रतियोगी हैं वो फिजिकली फिट हैं कि नहीं, मेडिकली फिट हैं कि नहीं, ये जांच करा के प्रतियोगिता कराई जाए। दूसरी बात है इस टाइप की प्रतियोगिता जिसमें कि प्रोफेशनल रनर नहीं होते हैं, ये हमारे छात्र हैं, इन्हें एक बार ही मैराथन में दौड़ना है रेड रिबन के अंतर्गत तो दौड़ना है, तो हम चाहेंगे इसका टाइम इस तरह का रखा जाए कि जहां भीड़ नहीं हो और जहां पर जिस ऐसा समय हो जैसे 6 बजे का टाइम हो, सवेरे का टाइम हो, ठंडा में उसको किया जाए। अगले बार से यह सावधानी निश्चित रूप से बरती जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका मांझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का, तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। भागलपुर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की लूट की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को देर रात झुकुरिया के समीप एक बगीचे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए वहां अपराधी एकजुट हुए हैं। इसके बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। वही गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 छात्रों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों में मास्टरमाइंड औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद तबरेज एवं मोहम्मद सज्जा और मदसौरपुर निवासी गौतम कुमार है, जबकि चौथा अपराधी सबौर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद राजा है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 कट्टा, 3 कारतूस, 1 चाकू व 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि मास्टरमाइंड मोहम्मद तबरेज का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी एसपी अमित रंजन और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दी। कल एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झुरकुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बागीचे में लूट की घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं, तो एसएसपी सर को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापेमारी की गई। 4 लोग की वहाँ पे गिरफ्तारी की गई, जो कि 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद हुआ है उनके पास से, और 5 मोबाइल और 1 छुरा बरामद हुआ है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, इनके ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि बहुत ही शातिर क्रिमिनल हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये एक लूटपाट की घटना करते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उसी क्रम में ये लोग पकड़े गए। कितने की लूट की अंजाम की? लमसम इनका टारगेट था, जो हम लोग को अभी तक इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है, कि 2 करोड़ का एक जगह लूट करने वाले थे और उसी क्रम में हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया इनकी बातों को और इन्हें अरेस्ट किया गया। भागलपुर बिहार के उन 16 जिलों में शामिल है जहां एड्स के मामले अधिक हैं। इसी संदर्भ में जागरूकता के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन काम करने वाली बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 16 जिलों में युवा महोत्सव के अंतर्गत मैराथन दौड़, रील मेकिंग प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स जागरूकता पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 के तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक सह भागलपुर जिला रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार ने जानकारी दी कि सर्वप्रथम कॉलेज स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और चयनित छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के अंतर्गत सुबह करीब 8 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से मोहनपुर के लिए 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीनेट सभागार में चयनित प्रतिभागियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एचआईवी एवं एड्स के बचाव को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मौके पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के रिसोर्स पर्सन असीम कुमार झा और राहुल कुमार ने कहा कि आज की प्रतियोगिता के विजेता को राज्य स्तरीय और राज्य स्तरीय विजेता को गोवा में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने एनएसएस के कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, उसी तरह हमें विश्वास है कि हमारे छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अपने संबोधन में प्रतिकुलपति ने छात्र छात्राओं को चांद पर जाने जैसे
संकल्प के साथ टीएमयू के झंडा को देश भर में लहराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विजेता उपविजेता समेत सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ये चंद्रयान है भारत का, ये थर्ड है ना। पहला गया तो उसने क्या किया, उसका जितना भी डाटा अवेलेबल कराया उसके आधार पर चंद्रयान टू गया। टू फेल हो गया कहां पर, लैंड करने में। उन सब से सीख लेते हुए भारत ने उस चंद्रयान पर कदम रखा जो यहां से 384,000 किलोमीटर दूर है और जहां के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश, अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर पहुंचा है लेकिन वो साउथ पोल पर नहीं पहुंचा है। साउथ पोल ऐसी जगह है जहां पर 14 दिन सूरज खिला रहता है, 14 दिन रात रहती है और बहुत ही पहाड़ी उभर खाबर जगह है, वहां पर पहुंचना मुश्किल है। आप जानते ही हैं कि रूस का भी लूनर 25 इसके कंपटीशन में उतरा था और वो चाह रहा था इंडिया से पहले हम साउथ पोल पर कदम रख दें, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जितने भी थे और पूरे 140 करोड़ भारतीयों का उसमें जोश लगा हुआ था और ये सही उस पर कदम रखा, रूस फेल कर गया। आज हमें अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पर, विशेषकर ISR इसरो और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल रहा, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज हम यहाँ जुटे हैं, रेड रिबन के तत्वाधान में मैराथन दौड़ हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 100 छात्र आज इसमें भाग ले रहे हैं। आज इनमें भी वही जुनून है, वही उत्साह है और जिस तरह से हमारे देश ने चांद पर फतह किया है उसी तरह हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे भी स्टेट लेवल पर अपना झंडा फहराएंगे। भागलपुर के नाथनगर चौक पर जमीन विवाद में अपराधी ने एक डीलर को गोली मार कर घायल कर दिया। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के नाथनगर चौक के समीप इलेक्ट्रॉनिक दुकान की है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जख्मी डीलर भतोड़िया गांव निवासी दयानंद यादव को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूचना पर ललमटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गयी। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घटना को लेकर जख्मी दयानंद ने बताया कि शाम के समय इलेक्ट्रॉनिक दुकान में वह पंखा ठीक कराने गया था, तभी आधे घंटे के बाद एक अपराधी आया और गोली मार कर फरार हो गया। दयानंद यादव ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से 2 साल से जमीन विवाद चल रहा है। साल भर पहले भी भतोड़िया रोड में अपराधियों ने गोली चलाई थी। इधर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है, हालांकि अब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। हम सर पंखा ठीक करा रहे थे और इनके दुकान में दक्षिण वो बैठे थे रोड से दक्षिण, और पीछे से जैसे वो माथा में गोली लगा हम गिर गए। दुकानदार दो को बाहर में बैठा हुआ था, एक अंदर में पंखा ठीक कर रहे थे। वो लोग अध्यक्ष वो हम उठ के भागे थाना वहाँ नहीं थे, आदमियों को घेर लिया। तब फिर आदमी थाना से गया, वो मोटरसाइकिल खड़ा हुआ वो बैठा तो उनको थाना लाया। कहीं ना कहीं गोली मार लिया। जमीन का विवादी है सर। कौन लगते हैं विवादी है? मुस्लिम से सर, नाम से उसको अनवर उर्फ छमूरी इब्राहिम, इब्राहिम तीन भाई है, सुनते एक भाई जेल में है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका मांझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका मांझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
बीपीएससी शिक्षक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने लगे थे। परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही छात्रों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं सेंटर पर कड़ी निगरानी में मेटल डिटेक्टर के जांच के बाद आधार कार्ड मिलान किया गया, साथ ही परीक्षार्थियों से जूता भी खुलवाया जा रहा था। बता दें कि जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 29,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन इजी ही था, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था, लेकिन पढ़ने का जरूरत है, जो पढ़ेगा वही निकाल पाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के समीप दबंग अपराधियों ने बरबिल्ला के रहने वाले मंटू मांझी की पीट पीट कर हत्या कर दी, साथ ही शव को गड्ढे में फेंक दिया। वहीं इस मामले में मृतक मंटू मांझी की मां मखिया देवी और साला मौनी मांझी ने बताया कि गांव के धर्मेंद्र यादव और उनके दोस्त सकलदेव कुमार घर पर आकर मंटू मांझी को साथ ले गए थे। मंटू मांझी के घर वापस नहीं आने पर ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास मंटू मांझी की पीट पीट कर हत्या कर एक गड्ढे में शव को फेंक दिया गया है, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। वही सूचना पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने मृतक मंटू मांझी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर घटना के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। वही इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि मंटू मांझी की हत्या हुई है। परिजनों के द्वारा फर्द बयान के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए हत्या करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धर्मिंद्रा नाम रहे सकला दो गो एलन बेटा ले गए, बोला खाना हमारे कर ले रह गए, उठा बोला ले गए बेटा। किसको ले गया बोला? हमरा बेटा के। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मंटू मांझी। उसी को लेके गया? कहाँ लेके गया? लेला चल गए कलके चाचा यहाँ अपन चाचा बोल के चाचा बोल के सब दिन बोलवे रहे कि हमर बेटा ले ये जेते मारिए देते बेटा। मार दिया है? मार दल। क्या चीज से मारा है? अब कसम मार लगे पानी को मार लगे। भागलपुर परपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिनकोल पंचायत के इमाम नगर गांव स्थित झाड़ी में बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने अर्धनग्न अवस्था में एक बेहोश पड़ी महिला को देखा। महिला की पहचान इमाम नगर निवासी रूपक कुमार साह की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में स्थानीय लोगों ने किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि पूजा मंगलवार की रात 7 बजे अपने घर से झाड़ी की तरफ शौच करने के लिए निकली थी। देर रात पूजा के घर नहीं लौटने पर रूपक कुमार साह ने पड़ोस में खोजबीन भी किया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलने पर मामले की सूचना परपैती थाना अध्यक्ष को दी गई। वही गांव की एक महिला झाड़ी के तरफ बुधवार की सुबह जब गई तो झाड़ी में पानी के बीच वस्त्रहीन बेहोश हालत में पूजा पड़ी दिखी, जिसके बाद पति ने परपैती थाना जाकर लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की मदद से बेहोश महिला को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखकर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। मौके पर एसडीपीओ शिवानंद सिंह भी पीड़ित से मिलने आए और पूछताछ की। वही देर शाम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने मुख्य आरोपी सिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। भागलपुर के साइंस कंपाउंड में चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो द्वारा रचे गए इतिहास के खुशी में भागलपुर के लायंस क्लब की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनोद अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, कैबिनेट सचिव गोपाल खेतड़ीवाल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान लायंस क्लब भागलपुर के अध्यक्ष मनोज शर्मा एवं सचिव प्रदीप लायंस ने कहा कि इस उपलब्धि से भारत पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। रैली में रीजनल चेयरपर्सन संजय लाट, एडमिनिस्ट्रेटर लायन सुमित जैन, सचिव लायन अभिषेक, संजीव झुनझुनवाला, अनिल गोयंका, जय कुमार जैन एवं विभिन्न संस्थाओं के लोग मौजूद थे। मौके पर सभी ने इसरो की कड़ी मेहनत और भारत के मिशन की सफलता की प्रशंसा की। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बीपीएससी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, एसडीएम ने समझा बुझा कर कराया शांत। मैराथन दौड़ में बेहोश होकर गिरी छात्रा, विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में नहीं हो सका इलाज। दो करोड़ लूट की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 4 अपराधी गिरफ्तार।
एड्स जागरूकता को लेकर सेनेट हॉल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। और जमीन विवाद में डीलर को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।